दोस्तों, साल 2012 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ शो एक वीर की अरदास वीरा टीवी इंडस्ट्री के उन यादगार शोज में अपना नाम शामिल करता है, जो आज भले ही टीवी पर प्रसारित ना होता हो, लेकिन इसका क्रेज आज भी दर्शकों के बीच बना हुआ है। दर्शक इस शो के एक एक किरदार के काफी ज्यादा दीवाने रहे हैं, जिनमें रणविजय और वीरा का नाम तो सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यही दोनों तो थे जिन्होंने शो में मुख्य भूमिका अदा की थी। शो में दोनों को भाई बहन की भूमिका निभाते हुए देखा गया था, जिनका प्यार देखकर दर्शक इस कहानी के दीवाने हो गए थे। लेकिन दोस्तों, आज इस सीरियल को टीवी पर प्रसारित हुए करीब 8 साल हो चुके हैं, और इन 8 सालों में वीरा और रणविजय का बाल किरदार निभाने वाले ये बाल कलाकार भी काफी ज्यादा बदल गए हैं, जिन्हें पहली नजर में पहचान पाना काफी मुश्किल सा लगता है। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको वीरा और रणविजय के बाल किरदार निभाने वाले इन चाइल्ड आर्टिस्ट से रूबरू कराने वाले हैं, जो पहले के मुताबिक आज काफी ज्यादा बदल गए हैं। तो अगर आप भी वीरा और रणविजय के बचपन का किरदार निभाने वाले इन चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इस खूबसूरत जोड़ी के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सीरियल में वीरा का किरदार पर्दे पर उतारने वाली अभिनेत्री का असली नाम हर्षिता ओझा है, जिनका जन्म 10 फरवरी 2007 को झारखंड के धनबाद शहर में हुआ था, और इसी के चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई भी यहीं से पूरी की। वही बात करें इस दमदार बाल कलाकार के एक्टिंग करियर की, तो अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत इन्होंने सीरियल एक वीर की अरदास वीरा से ही छोटे पर्दे पर की थी, जहां इन्होंने छोटी वीरा का किरदार काफी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा, जिसके चलते दर्शकों ने इनकी खूब सराहना की और इन्हें कई और भी सीरियल्स में काम करने का जबरदस्त मौका मिला, जिसके बाद इन्होंने सावधान इंडिया और तमन्ना जैसे और भी कई सीरियल्स में काम किया और खूब पॉपुलैरिटी और सफलता हासिल की, जिसके चलते आज ये किसी पहचान की मोहताज नहीं। वहीं अब बात करें सीरियल में रणविजय का किरदार पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता के बारे में, तो इस बाल कलाकार का असली नाम भावेश बलचिंतानी है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 2001 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ था, और इसलिए इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी यहीं से पूरी की। वहीं अगर बात करें इस दमदार बाल कलाकार के एक्टिंग करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में आए सीरियल फुलवा में बाबू का किरदार निभाकर की थी, जो यूं तो एक सहायक किरदार था, पर इसके बावजूद इनके इस किरदार में दर्शकों ने इन्हें काफी ज्यादा पसंद किया था, जिसके चलते इन्हें आगे और कई शोज में काम करने का मौका मिला, जिनमें सूर्यपुत्र, कर्ण, सीआईडी और नामकरण जैसे कई सीरियल्स के नाम शामिल हैं, जिसके चलते आज ये किसी पहचान के मोहताज नहीं। लेकिन दोस्तों, आज सीरियल वीर की अरदास वीरा को खत्म हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं, और इन बीते 5 सालों में छोटी वीरा और रणविजय का किरदार निभाने वाले ये दोनों ही कलाकार काफी ज्यादा बदल चुके हैं। शुरुआत करते हैं अभिनेत्री हर्षिता ओझा से, जो आज बीते सालों में अपनी 13 साल की उम्र पार कर चुकी हैं, और इसी के चलते बीते सालों में इनके अंदर आज काफी ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। जी हाँ, जहाँ पहले आपने इन्हें सीरियल में सूट सलवार और फ्रॉक के साथ दो चोटियों में अपनी मासूमियत और चंचलता से सबका दिल जीतते हुए देखा होगा, तो वहीं ये चाइल्ड एक्ट्रेस आज पहले से काफी अलग नजर आती हैं। आज इनका चेहरा पहले से ज्यादा मैच्योर लगता है, जहाँ अब ये सूट सलवार और फ्रॉक में नहीं बल्कि स्टाइलिश और मॉडर्न ड्रेसेस में काफी क्यूट नजर आती हैं। हालांकि ये सीरियल में जितनी शरारती और नटखट नजर आई थी, असल लाइफ में भी बिल्कुल वैसी ही हैं, जो फिलहाल अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई में रह रही हैं। पर अब ये एक्टिंग की दुनिया को छोड़ अपनी पढ़ाई पर फोकस करने में लगी हैं। वहीं अगर बात करें रणविजय का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार भावेश बलचंदानी के आज के बारे में, तो आज ये 19 साल के हो चुके हैं, जिसके चलते इनके अंदर अब पहले के मुताबिक काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। आज इनके चेहरे पर दाढ़ी और मूछें आ गई हैं, जिससे आज ये काफी ज्यादा मैच्योर नजर आते हैं। साथ ही इनकी पहले की तस्वीरों को अगर एक दूसरे से कंपेयर किया जाए, तो हमें काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। आज ये पहले से ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम नजर आते हैं, जिन्हें स्टाइल में रहना काफी पसंद है, और आज भी इनके फेस पर वही सिग्नेचर स्माइल बरकरार है, जो हमें सीरियल एक वीर की अरदास वीरा में देखने को मिलती थी, जैसा कि ये तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं।
लेकिन इन बीते 5 सालों में इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है, जिन्हें हाल ही में सीरियल नामकरण में सम्राट की भूमिका में देखा गया था। दोस्तों, आज इन दोनों बाल कलाकारों में से किसका बदला हुआ अंदाज देखकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।